गरीब किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी। ग्राम दसई में किसानों के साथ फिर एक बार करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हो गई, जिसके कारण किसान काफी परेशान नजर आ रहा। कुछ किसान की हालत इतनी खराब हो चुकी कि कृषि उपज मंडी राजगढ़ की उप मंडी दसाई में न्यू पूजा टेंडर्स के नाम से व्यापार करने वाले राजेश रमनलाल जैन द्वारा कृषि उपज उप मंडी में प्रतिदिन खरीदी करने के साथ साथ किसानों के घरों से भी सोयाबीन, गेहूं के साथ साथ डालर चने, देशी चने के अलावा कई उपज कर खरीदी कर फरार हो चुका। ज्ञापन में व्यापारी द्वारा करोड़ों रुपए की चपत देकर फरार होने पर पुलिस चौकी दसाई पर सैकड़ों किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विभाग सरदारपुर को ज्ञापन दिया, जिसमें व्यापारी द्वारा करोड़ों की लागत का अनाज लेकर फरार हो गया बताया गया। वहीं व्यापारी द्वारा कृषि उपज उप मंडी में खरीदी के बिल भी किसानों के पास है, जिसका भुगतान नहीं होना भी बताया गया। व्यापारी जैन द्वारा अनाज की खरीदी के बदले कई किसानों को चेक भी दिए गए, मगर बैंक में पैसा नहीं होने पर वह बाउंस हो गए। वहीं समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण किसान काफी परेशान हो रहा है। रेडी जी, मेरा नाम पवन पाटीदार, मैं किसान हूँ। राजेश जैन करके एक व्यापारी था, इन्होंने किसानों से माल खरीद रखा था और सब किसानों को चपत देकर भागे। किसी किसान का 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख तक भी है कुछ लोगों का बकाया। आपका कितना है? मेरा 3 लाख रुपये। आपने माल कहाँ बेचा था? मैंने माल मंडी में बेचा था। पवन पाटीदार सर, यहाँ पे किस संबंध में आवेदन देगा आपको? मुझे ये आवेदन दिया है, व्यापारी राजू फरार हुआ है दसई का, जो किसानों के पेमेंट लेके गया है, उस संबंध में किसानों ने पेमेंट दिया है और किसानों को मैंने कह दिया वो रिश्ता लड़को भेज दूंगा मैं, जो अभी आपने मेरे को दिया है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। सर, इसमें मंडी का कुछ पेमेंट बकाया कुछ है क्या? नहीं, मंडी का कुछ नहीं बकाया है, ये सब बाहर खरीदी करी है। और किसान खुद हमारे सामने आके बोलते थे कि हम इंदौर ले जा रहे हैं। दसई के किसान लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें दसई में दसई के निवासी न्यू पूजा ट्रेडर्स के मालिक राजेश जैन के द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया गया और अपने परिवार सहित यहाँ से भी चले गए हैं। उस संबंध में ज्ञापन दिया है, ज्ञापन हमने ले लिया है, उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, ज्ञापन जो मिला है उसमें दोषी के खिलाफ क्या किस तरह से एक्शन लिया? जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। ज्ञापन अभी हाल ही दिया गया है, तो उसके बारे में सभी किसान जितने भी हैं उनकी सूची प्राप्त करके किसका कितना पैसा है, किस तरीके से दिया था, किसी को चेक दिए हैं, क्या दिए हैं, वो सारी जांच करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। सर, आपका नाम? ऐश्वर्य शास्त्री, एसबीपी जलवा।